हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन टिप्स जिसे आपको जानना बेहद ही जरूरी है। फ्रेंड्स, मेरे कंप्यूटर में भी कुछ एप्लीकेशंस खुले हुए हैं। अगर मैं बोलूँ कि आपको जितने भी एप्लीकेशन खुले हुए जो स्टाफ बन रहे हमारे सो भी करें, अगर मैं बोलूँ कि आपको एक एक एप्लीकेशन करके आपको सभी को बंद करना, तो बेसिकली क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लोज बटन जो है वहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करके उसको एक एक करके हटाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से क्लिक करने के बाद, क्लोज बटन पर प्रेस करने के बाद एप्लीकेशन बंद नहीं होता, और जब हम अपने कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं उस समय दिक्कत आने लगती है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको टास्क बार पे जाना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा टास्क मैनेजर का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जितने भी एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में खुले हुए हैं वो यहाँ सारा आपको शो करता है। देखिए, जैसे कि एक मेरा फाइल खुला हुआ, ये एप्लीकेशन वो क्या है, पीडीएफ का, इसको क्या करना है, क्लिक करके राइट क्लिक करना है, इस पे इन टास्क का ऑप्शन दिया है, इस पे आपको ओके करना है, एक एप्लीकेशन बंद हुआ। सेकंड एप्लीकेशन जो हमारा खुला हुआ वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे ओके करके इसको क्या करना है, इन टास्क कर, ये भी हमारा क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो हमारा क्या सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है, तो इसको भी क्या करना है, यहाँ से ओके करके इसको क्या करना है, इन टास्क कर देना है। देखिए, जितने भी एप्लीकेशन खुले हुए थे वो सारा यहाँ से बंद हो गया। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आया कि कोई एप्लीकेशन आपका नहीं बंद हो रहा है, तो आपको जनरली इसी प्रोसेस को अपनाना है। थैंक यू गाइस, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।